At a press conference recently, designer Rohit Verma speaks on his World Film Festival Award. Have a look. जी मैं अभी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया हूँ और मेरे को ये वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में मैंने ये अवार्ड जीता है और अपने भारत का नाम बहुत रोशन किया है एंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया तो डेफिनेटली क्या कहते हैं एक नई ट्रॉफी इंटरनेशनल हमारे कंट्री में आई है. मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे को वोट किया, जिन्होंने मेरे को इसके लायक समझा. आई रियली थैंक देम वेरी मच. सी अवार्ड्स तो एक पुरस्कार हम लोग को दे देते हैं कि हमारी चीज़ों को जो अगर हम लोग को कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाएं उसके लिए एक अगर इस तरह का हमारा नाम हो जाता है, अवार्ड मिल जाता है तो ऑब्वियसली लोग चाहते हैं कि आज आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है हमारे कंट्री में. बट मेरे को बचपन से बहुत अवार्ड्स मिले हैं और मैं हमेशा ही जीतता आया हूँ एंड तो ऑब्वियसली मेरे लिए अवार्ड्स का मायना बहुत है क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके एक डिज़ाइनर अपना एक मुकाम हासिल करता है पूरे कंट्री में और अपना कंट्री का नाम रोशन करता है. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिस्पेक्ट. और जब उसका रिकग्निशन होता है, उसकी मेहनत को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उससे अच्छा खुशी एक डिज़ाइनर के लिए नहीं होती है. जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट ट्रॉफी इंटरनेशनल के लिए फैशन के तौर पे, तो किस तरह की फीलिंग्स थी जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ था? वेल मैं तो एकदम आई वाज हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, तो मैं तो लग ही नहीं रहा था कि मेरा नाम अनाउंस होएगा. पर जब हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को आश्चर्य हुआ बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स का नाम था मेरे साथ और उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम यहाँ पे इनकॉर्प कर दिया था. इन ये जो हैं डिज़ाइनर क्रिश्चियनी लखवा, इनके नाम पे मेरे को अवार्ड दिया इन लोगों ने एंड वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में. तो डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट एंड यू नो फैशन डिज़ाइनिंग फॉर मी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतना डिज़ाइनर्स को नहीं मानते थे, हमको टेलर बोलते थे. पर इसने इस अवार्ड ने इट्स अ जेस रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट एंड वर्ल्ड.